बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामले जमानत के लिए बीआरएस नेता के कविता पहुंची हैं दिल्ली हाईकोर्ट। के कविता ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका। के कविता की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। के कविता ने रावस रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाल ही में रावस रेवेन्यू कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज के कविता की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन क्या के कविता को राहत मिलेगी या फिर नहीं, ये देखना होगा। दिल्ली शराब घोटाला पूरा ये मामला जिसमें जमानत के लिए बीआरएस नेता के कविता अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुकी हैं। के कविता ने हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है। के कविता की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। और आपको ये भी बता दें कि के कविता ने रावस रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के लिए। सुमित, क्योंकि आज के कविता का भी पूरा मामला आज उसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, सबकी नजरें वहां पर टिकी रहेंगी। आज देखना होगा कि क्या के कविता को आज कोई राहत मिल पाती है या फिर नहीं, क्योंकि लंबे समय से तो उनको राहत नहीं मिल पा रही है। देखिए प्रीति, राहत मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि के कविता की जो जमानत याचिका पर जो सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होनी है वो आज पहली सुनवाई है। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा तो दोनों जांच एजेंसियों को नोटिस जारी करेगा, क्योंकि जो जमानत याचिका के कविता की ओर से दायर की गई है उसमें ईडी और गिरफ्तारी ईडी और सीबीआई की ओर से जो मामला दर्ज किया गया है, उस दोनों मामले में जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में के कविता ने दायर की है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। चूंकि पहली दफ़ा दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो फिलहाल इसमें राहत की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि इस पूरे मामले में दोनों जांच एजेंसियों से दिल्ली हाईकोर्ट नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है। सुमित, आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है।